दोस्तों कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना होता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, धनु राशि वाले व्यक्ति, कि शनि के साढ़े साथी नहीं है 12 जुलाई 2022 तक, यानी कि आज से लगाकर अगर हम देखेंगे तो 55 दिन और अभी ऐसे हैं जब शनि की साढ़े साथी नहीं रहेगी धनु राशि के ऊपर, लेकिन फिर वापस से 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि देव की साढ़े साथी रहेगी। जब वापस से शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव लाएगी इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे कि जो शनि के साढ़े साथी नहीं है 12 जुलाई तक, तो फिर ये न्याय के देवता शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं। ये जो धनु राशि वाले व्यक्ति पिछले 7 साल से परेशान थे अपने कार्य को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ऋण को लेकर, स्वास्थ्य के प्रति परेशान थे, चिंता में थे अपनी फैमिली को लेकर, तो क्या बदलाव अब आने वाला है? ये शनि के साढ़े साथी खत्म हो चुकी है आपकी, जैसे मैंने बताया 12 जुलाई तक। तो आज हम यही जानेंगे कि ये 55 दिन आपके लिए कैसे हैं, न्याय के देवता शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं इन दिनों में। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों आपकी जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों जैसे कि 2014 से शनि की साढ़े साथी चल रही है धनुराशि, अब 29 अप्रैल को शनि के साढ़े साथी खत्म हो चुके हैं और आपकी राशि से शनिदेव आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से तीसरे घर में शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो शनि के साढ़े साथी समाप्त हो जाती है, यानी कि जो चिंता, जो तनाव, यानी कि अपने परिवार को लेकर चिंता आपको काफी टाइम से हो रही थी, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में थे आप, जो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर परेशान थे, अपने एग्जाम को लेकर परेशान थे, अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, तो जब ये शनि के साढ़े साथी अभी समाप्त हो चुकी है तो आपके लिए अब फल आपको धीरे धीरे अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप किसी एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। इसके साथ में आप अपने परिवार को लेकर चिंता में थे, उनका स्वास्थ्य खराब था, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही थी, आपके घर परिवार में वाद विवाद चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपने देखा होगा कि 29 अप्रैल के बाद से लगाकर 12 जुलाई के बीच में वो वाद विवाद खत्म जरूर हो। और एक बात और कि जो आपके बिना वजह के खर्चे हो रहे थे अपने आप को लेकर, अपने वाहन को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, अपने अपनी किसी भी चीज को लेकर खर्चे आपके रुक नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे, वो कंट्रोल होते हुए जरूर देखे जाएंगे। इसके साथ में दोस्तों जब शनि की साढ़े साथी रहती है और हमारी कुंडली में जब शनि देव की पोजीशन अच्छी नहीं होती, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव की पोजीशन अच्छी नहीं है, शनि देव नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं, शत्रु के घर में जाकर बैठे हैं, तो निसंदेह शनि देव ने आपको अशुभ फल दिया होगा, जैसे कि स्वास्थ्य में परेशानी, आपके वैवाहिक जीवन में वाद विवाद खड़े किए होंगे, संतति यानी कि संतान की तरफ से कोई परेशानी या चिंता मैं आपको डाला होगा। इसके साथ जब शनि के साढ़े साथी का दूसरा और तीसरा चरण चलता है तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ऋण, रोग, शत्रु भी का भय हमको अक्सर रहता है जब कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं। और वहीं जब शनि के साढ़े साथी समाप्त हो जाती है तो जो शत्रु का भय हमको होता है, जो ऋण का भय हमको होता है, वहां से एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे चलकर आप बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपसे विशेष कहना चाहूंगा, शनि के साढ़े साथी वापस से लौट कर आएगी 12 जुलाई को, और वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और बहुत विशेष रहेगी वो वीडियो कि क्या आपको फल मिलेगा, क्या सावधानी आपको रखनी होगी उस समय पर, वो ध्यान रखिए। और दोस्तों इसके साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शनिदेव आपके तीसरे घर में आ जाएंगे तो आपका कार्य तेजी से चलेगा, कार्य में आपकी बढ़ोतरी और आपकी वृद्धि देखी जाएगी। जो धनु राशि वाले व्यक्ति व्यापार करते हैं किसी भी चीज का, खासकर लोहे का,
ऑयल एंड गैस का, चमड़े का, कंस्ट्रक्शन का आप काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो अब आपका वो काम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कार्य, डिजिटल मार्केटिंग, किसी एप्लीकेशन से जुड़ा काम करते हैं आप, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन से आप जुड़ा हुआ काम करते हैं, आईटी सेक्टर में है, टेक्निकल और इंजीनियरिंग आप सेक्टर में काम करते हैं, तो ये 12 जुलाई से पहले प्रमोशन होने की संभावना, एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना अब आपको दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों कमेंट आपको करना होगा, ये जो शनि की 7:30 अभी खत्म हो रखी है, इसमें आप एक बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे थे कि मैं प्रॉपर्टी लूं, मैं वाहन खरीदूं, मैं कुछ चीज, कुछ लग्जरियस पार्ट्स लूं, कुछ लग्जरी चीजें मैं खरीदूं, तो अभी आप वो सामान खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। धनु राशि वाले व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो आपको रोजाना गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा, सूर्य देव को, जो कि राजा हैं, अभी तो सिर्फ ग्रह के नहीं पूरे इस पृथ्वी के, अगर सूर्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, सूर्य प्रकाश है, आत्मा है, तो सूर्य देव को, उगते हुए सूरज को आपको अर्घ जरूर देना चाहिए। कैसे लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।